ईयर्स यहाँ पे मैंने योगर्ट ली थी तकरीबन 1.5 कप, और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली ली थी, चिली फ्लेक्स ली थी 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था 1/2 टीस्पून, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून ही चिकन पाउडर भी ऐड किया है, और साथ में मैंने इसमें जावित्री भी थोड़ी सी ऐड की है 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा मैंने इसमें जो है वो ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया है, और तकरीबन मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया, चाट मसाला ऐड कर रही हूँ मैं इस वक्त, और इस तरह से मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम अपने टिक्का मसाला फ्राई पे अच्छे से इसको जो है वो उसमें मैरिनेट करेंगे, और फिर हम तकरीबन इसको 1/2 आवर के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। और अभी आप देख रहे हैं इसमें मैंने पेपरिका पाउडर भी ऐड किया है, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छी सी रौनक आ जाती है, और थोड़ा सा फूड कलर भी मैं इसमें डाल रही हूँ रसबेरी, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है चिकन के ऊपर जब हम फ्राई करेंगे, तो बहुत ही अच्छा रेडिश साइज का जो है वो ऊपर से इसकी जो वो लुक है वो होगी, और वो बहुत मज़े की लगती है। तो लें जी, ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम अपना चिकन को मैरिनेट करेंगे। इस तरह से सारा मसाला हमारे पास रेडी है। अब हम यहाँ पे चिकन लेते जाएंगे एक एक पीस, और उसको अच्छे से ये मसाला लगाते जाएंगे। मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है, इस तरह से ये देखें। चलो जी, अब हम इसे एक एक पीस उठाते जाएंगे और हम अपने चिकन को उसमें अच्छे से चिकन के ऊपर और इसके कट्स के अंदर लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमें 30 मिनट्स हो गए हैं अपना चिकन टिक्का मसाला डाले हुए इस मसाले में, इस मटेरियल में डिप किए हुए। अब हम इसे एक देगची में डालेंगे इस तरह से मसाले के साथ ही, और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बाउल में ही हमने थोड़ा सा पानी डाला है, बस इतना सही हमें पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का मसाला, मसाले के अंदर हम टिक्के को इस तरह से पहले टेंडर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चिकन टिक्का बोटी रेडी होने जा रहा है। इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट्स के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का मसाला ज़बरदस्त से रेडी हो गया है। अब हम इन्हें फ्लेम ऑफ करके नेक्स्ट दिखाएंगे आपको कि नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले में डिप हुए हुए ये टिक्के, अभी आप देखिएगा हम किस तरह से इनको तैयार करेंगे। थोड़ी देर और हम 2 से 3 मिनट और हम इनको इसी तरह से कवर कर देंगे ताकि ये और अच्छे से टेंडर हो जाएँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का मसाला फ्राई, अब हम इसको करेंगे। तो हमारा चिकन टिक्का मसाला तकरीबन रेडी है, अब हम इसे इन सारों को उठाएंगे और इनको हम फ्राई होने के लिए रखेंगे। इस तरह से वन बाय वन हम उठाते जाएंगे, ये सारों को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार था हमारे पास चिकन टिक्का मसाला फ्राई होगा। सब टिक्का मसाला को हम इसी तरह से इसमें रखते जाएंगे और अच्छा सा इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं चिकन टिक्का मसाला फ्राई, हम इस तरह से इसको डीप फ्राई में फ्राई करेंगे, लेकिन वो भी हम अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। देखें ज़बरदस्त हमारे टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला बोटी इस तरह से ज़बरदस्त फ्राई हो गई है लाइट गोल्डन कलर की। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आप
देख रहे हैं यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का मसाला फ्राई ज़बरदस्त रेडी है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। बड़े अच्छे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हुए थे सारे मसाले। तो लें जी, इसी तरह से दोबारा हम किसी और अच्छी और नई सी रेसिपी के साथ आएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करें, इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।